अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। आई एम योर मैथमेटिक टीचर ऑफ क्लास सिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज 8.4। पिछली एक्सरसाइज मैंने आपको 8.3 करवाई थी और उसके टॉपिक्स भी करवाए थे। आज हम इंशाल्लाह 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 8.4 में सबसे पहले इसका टॉपिक ये होगा कि एमुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन विथ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उन्हें कैसे एमुलेट करते हैं, ये मैं आपको इस एक्सरसाइज में बताऊंगी। इसकी एग्जांपल दी गई, एग्जांपल देखने से अच्छा है कि हम पहले क्वेश्चन करें। एमुलेट करना मतलब कि वैल्यूज को पुट करना होता है। आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, आपने उसको जस्ट वेरिएबल में पुट करना है और उसको आंसर लेकर आना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इफ एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई इज इक्वल टू 5 एंड जेड इज इक्वल टू 2। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है जबकि आपके पास एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 5 है और जेड की वैल्यू 2 है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैं करवाती हूँ, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई फाइंड करना है आपने। आपको वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू 2। सबसे पहले आप क्वेश्चन को दोबारा सॉल्यूशन में लिखेंगे, फिर आपने वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू 6 है तो आपने पुट करनी है एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 5 एंड जेड इज इक्वल टू 2। किस में पुट करनी है, क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई। अब एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 है, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 6। एवलेट करें वैल्यू को, मतलब पुट करें, ठीक है। अब वाई है, वाई की वैल्यू क्या है, 5 की जगह, वाई की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 5। इसको मतलब एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 6 प्लस 5 के। ये ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो 6 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क है। थर्ड पार्ट है 3x प्लस वाई आपने फाइंड करना है, यानी वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x और y। अब यहाँ पे वही वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं पीछे, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थी, 6, वाई की वैल्यू क्या दी हुई थी, 5, जेड की वैल्यू क्या दी हुई थी, 2। आपने पुट करना है किस में, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस वाई। 3 अपनी जगह पे आएगा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, 6 पुट कर लेंगे। प्लस अब वाई है, वाई की जगह पे क्या पुट करना है, 5, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है कि 3, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर प्लस हो रहा है। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे। तो 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 3, 6 क्या आ जाएगा, 18। प्लस 5 था तो 5 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब 18 प्लस 5 आ रहा है, ऐड करना है। 18 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 23। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज इक्वल टू 4 एवलुएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 4x का, दूसरा पार्ट है 3x का माइनस 4x और तीसरा पार्ट है आपके पास x प्लस 1/x, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में करवाते हैं, इसका भी सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ एक्स इज इक्वल टू 4 एवलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर, एक्स की पावर है 2, ठीक है। सॉल्यूशन को दोबारा वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे एवलुएट वैल्यू क्या करनी है हमने, एक्स इज इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू पुट करनी है हमने। एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4। अब 4x स्क्वायर था तो 4x स्क्वायर में पुट करेंगे ना, क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू को। अब 4x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 4
फोर के स्क्वायर का मतलब है कि फोर दो मरतबा खुद के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर फोर सा क्या हो जाएगा, सिक्सटीन। फोर के स्क्वायर का मतलब है आंसर क्या होगा, सिक्सटीन। अब ये ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो सिक्सटीन फोर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फोर सिक्सटीन सा क्या होता है, सिक्सटी फोर। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर। अब सेकेंड पार्ट आपने इसका खुद करना है, ठीक है। मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट है x प्लस वन अपॉन एक्स या वन बाय एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमने फोर ही पुट करनी है। तो x जिधर जिधर x होगा वहाँ पे आपने फोर पुट करना है। क्वेश्चन में पुट करेंगे x प्लस वन बाय एक्स में। यहाँ पे x की जगह क्या लग जाएगा, फोर प्लस वन बाय एक्स है तो वन बाय फोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉमन फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो फोर के नीचे कुछ भी नहीं था तो हम क्या डाल देंगे, वन डाल देंगे। अब यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन को आपको पता है क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। वन और फोर का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टू टू ज़ा फोर, वन अपनी जगह पर, टू वन ज़ा टू। तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, फोर। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ देखेंगे, वन कितने टाइम्स ऑफ फोर होता है, वन फोर ज़ा फोर, तो मल्टीप्लाई करेंगे फोर। अब फोर को देखेंगे, दूसरा डिनोमिनेटर देखेंगे, फोर कितने ज़ा फोर होता है, फोर वन ज़ा फोर होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई आ जाएगा, फोर फोर ज़ा क्या हो जाएगा, सिक्सटीन, वन वन ज़ा क्या हो जाएगा, वन। सिक्सटीन में वन को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो सेवनटीन हो जाएगा, सेवनटीन बाई फोर आपका आंसर होगा। हियर द सॉल्यूशन इज सेवनटीन बाई फोर। ये आपका होमवर्क है, सेकेंड पार्ट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी थ्री क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं आपको करवा दूँगी, तो आपकी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी और फिर रिव्यू एक्सरसाइज आ जाएगी, फिर आपका चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना होमवर्क कीजिएगा, ये होमवर्क मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अल्लाह हाफिज़।